आसिंद उपखंड की आमेसर ग्राम पंचायत में रहने वाली एक विधवा गरीब बेबस मां ने अपने बेटे की आंखों की रोशनी चले जाने पर सामाजिक संस्था संगठन भामाशाह और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मां डाली देवी के बेटे धनराज प्रजापत की उम्र 22 वर्ष है, जिसके महज 10 साल की उम्र में ही अपने पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी धनराज पर आ गई। जिम्मेदारी के चलते धनराज को 9वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार का पालन पोषण के लिए धनराज मिट्टी के बर्तन, मटका, दीपक बनाकर घर का गुजारा चला रहा था। वहीं मां डाली देवी बकरियां चलाकर बेटे के साथ परिवार का गुजारा चला रही थी, लेकिन 2 साल से मां भी बीमार चल रही है। बीमारी के चलते सब जिम्मेदारी अब घर के बड़े बेटे धनराज पर आ गई। धनराज जैसे तैसे घर का गुजारा चला रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और करीब 9 महीने पहले धनराज की आंखों में दर्द हुआ। दर्द के चलते मां ने अपने बेटे धनराज का इलाज भिलवाड़ा के निजी हॉस्पिटल में करवाया। धनराज के इलाज में मां के पास जितने रुपए थे खर्च कर दिए। बकरियां थी वह भी बेच दी। कुछ समय तक धनराज ठीक हो गया, लेकिन करीब 1 महीने बाद वापस आंखों में दर्द हुआ। लेकिन मां के पास रुपए पैसे न होने पर साहूकारी ब्याज पर गाँव के ही साहूकारों से कर्जा लिया और नीमच के अस्पताल में इलाज कराया। करीब 1 महीने तक धनराज का इलाज चलता रहा। जब डॉक्टर ने आंखों के ऑपरेशन की बात कही तो मां के दिल पर और पहाड़ टूट पड़ा। मां अपने बेटे को कुछ दिन के लिए आमेसर अपने घर ले आई और धीरे धीरे धनराज की आंखों की रोशनी चली गई। धनराज ने बताया कि पिता माधुराम प्रजापत की 12 वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। पिता की मौत के बाद धनराज पर 4 भाई बहन और मां की जिम्मेदारी आ गई। परिवार का लालन पालन करने के लिए धनराज प्रजापत ने 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। पर कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, मजबूरियों के दौरान बढ़ने वाली परेशानियां वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। अब विधवा मां डाली देवी ने अपने बेटे के इलाज के लिए भामाशाहों व सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि गरीबी व तंगी के चलते अपने बेटे का इलाज कैसे करें। इसलिए मदद हेतु अपने आप सामाजिक संस्था संगठन व सरकार के सामने फैलाए हैं, ताकि विधवा मां के लाल की आंखों की रोशनी उसे वापस मिल सके और बेटा धनराज परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल सके। मेरा नाम धंधालाल प्रजापत है और पिताजी नाम मधुलाल जी प्रजापत है। और हमारा पिताजी ने शांतियान 12 साल की है, इसलिए मैं 9वीं तक पढ़ पाई हूँ। और पढ़ाई करते करते बच में छोड़नी पड़ी मैंने। और कहा कि हमारा छोटा छोटा भाण भाई हा, तो पालन पोषण कोई न कर पड़ा, इसलिए मैं जो बर्तन वगैरह मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाया हा। और बनाते बनाते धीरे धीरे मेरी आंखें फ्री की है और हावकारा नुकू मारे कर्ज ले और आंखों का इलाज कराओ, लेकिन इलाज नहीं पायो। और बामा से और सरकार वही विनती है कि मारा इलाज करावे। आसिंद तहसील के आमेसर गांव में धनराज प्रजापत जो बालक है, बालक की उम्र में 22 साल की उम्र है, इस बालक के पिता का साया 12 साल पहले इसके सिर से उठ गया। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी के साथ ही छोटे भाई बहन हैं जो बालिक नाबालिग अवस्था में है, वो रोजगार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में भाई बहन और माँ का पालन पोषण करना धनराज के लिए बेहद जरूरी हो गया है। बीमारी और लाचारी के चलते माँ घर का कार्य नहीं कर पा रही है और पालन पोषण नहीं कर पा रही है। ऐसे में धनराज ने भी 9 महीने पहले अज्ञात कारणों के चलते हल्का सा आंखों में दर्द हुआ और धनराज की आंखें चली गई। अब लगातार ये परिवार शासन प्रशासन वे राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की अपील कर रहा है या इलाज की मदद की गुहार लगा रहा है कि अगर कोई सामाजिक संस्था या सरकार आगे आए तो धनराज की आंखें की रोशनी वापस लौट सकती है और धनराज पुनः अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकता है।